इन एसोसिएशन विद भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 26 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को लागू रखने का निर्णय लिया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सिर्फ 3 घंटे ही खुली रहेंगी। वहीं भवन निर्माण संबंधी कार्यों के लिए मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि शादी समारोह स्थगित करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, एकत्रित तथा धाम बैंड बाजा तथा टेंट हाउस जैसी व्यवस्थाओं पर पाबंदी लगाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि फॉरेस्ट के डिपो से मृतक शव के लिए मुफ्त में लकड़ी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 17 मई से 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत भी की जाएगी तथा लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है तथा नियमानुसार बुलाने पर ही वैक्सीन सेंटर पर जाने की अपील की है। हमको आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। कोविड पेशेंट चाहे होम आइसोलेशन में है चाहे वो हॉस्पिटल में है, अगर उनके अंतिम संस्कार की दृष्टि से अगर बात इस प्रकार से आती है तो एक तो हमने तय किया कि सरकार उसे जिम्मेवारी को निभाएगी। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि इंश्योर करें और वीडियोज एसडीएम को कहा है कि व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी चीजें उसमें करने के लिए वो करें। और आज की कैबिनेट में हमने आगे बढ़कर के निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ओर से दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रबंध हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और जहां लोगों के वन अधिकार हैं वहां पर सूखे पेड़ से लकड़ी निकाल करके उनका जहां दाह संस्कार करने की जरूरत होगी उसमें भी डिपार्टमेंट सहयोग करेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से समाज से भी और संस्थाओं से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैंने सामाजिक बहुत सारे संगठनों और धार्मिक संगठनों की जो बैठक की है उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आगे आए इस प्रकार की घटनाएं जो कुछ देखने को मिल रही है जहां मानवता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, आगे बढ़कर के सहयोग करें। ये बहुत ही कठिन दौर है समाज के सामने, इसलिए समाज में हमारी जो मानवता जो है वो जिंदा दिखनी चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान के मान सम्मान में किसान सम्मान निधि सीधा देश के किसानों के खातों में भेजी है और ये किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक में डीबीटी द्वारा जारी कर दी है। देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि सीधा उनके खातों में पहुंचाई है। इस उत्तम कार्य के लिए मेरी और हमारी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 6,000 रुपए किसानों के खातों में केंद्र द्वारा सीधा भेजे जाते हैं। इस निधि को 3 किश्तों में किसानों के खातों में भेजा जाता है। मैं अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद, प्रभारी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के आज जो 8वीं किस्त थी उसको जारी करते हुए 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जो उनके खाते में सीधा डाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम केंद्र की सरकार ने किया है। पंजाब के इसी तरह किसानों को जो लाभ मिला है वो 17,56,240 किसानों के खाते में सीधा पैसा गया है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के 9,01,770 किसानों को ये पैसा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के मान सम्मान के लिए जो ये सम्मान निधि जारी कर बिना किसी रुकावट के सीधे उनके खातों में डालकर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सभी पंजाब और हिमाचल वासियों की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
पौंटा साहिब की राजपुरा ब्लॉक की आशाओं ने एसडीएम पौंटा व बीएमओ को अपने साथ हो रहे शोषण और मुफ्त में काम करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आशा वर्कर्स का कहना है कि इस संकट में पिछले 3 महीनों से वो कोविड शील्ड वैक्सीनेशन में काम कर रही है। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। उसके बाद वह फील्ड में जाकर कोरोना पेशेंट को दवाई पहुंचा रही है। ऐसे में दुख की बात यह है कि ना तो आशाओं के काम को कहीं रिकॉर्ड में लाया जा रहा है और ना ही इसका अलग से कोई मानदेय मिल रहा है। सरकार कभी 1000 रुपए कभी 1500 रुपए मानदेय देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, जबकि काम उनसे फ्रंट वॉरियर्स का लिया जा रहा है। किन्नौर कांग्रेस कोविड मरीजों की हर संभव सहायता के लिए सामने आई है। विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोविड मरीज को जिला के किसी भी कोविड अस्पतालों में लाने वाले जाने के लिए एक बस सहित 2 छोटे वाहन मुहैया करवाए हैं। इसी तरह रिकांगपियो के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन मरीजों व होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को प्रत्येक दिन ब्रेकफास्ट में एक एक गिलास दूध फल सहित पौष्टिक आहार व दोपहर का भोजन मुहैया करवा रही है। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में बायोमेट्रिक मशीनों में फिंगरप्रिंट लगाकर राशन नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण और राशन की गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने आवंटन का नया तोड़ निकाला है। उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर जो नंबर होगा उसे बायोमेट्रिक मशीन में अपलोड किया जाएगा। नंबर अपलोड होने पर उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा। उपभोक्ता ये ओटीपी डिपो होल्डर को बताएंगे। इस नंबर को मशीन में अपलोड किया जाएगा, उसके बाद लोगों को राशन आवंटित किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग में इसका ट्रायल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में मौसम बार बार करवट ले रहा है। मौसम के करवट लेने से मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि के कारण बागवानों की सेब की फसल तबाह हो गई है, जिस कारण कोरोना संकट के बीच बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।